इधर मध्य प्रदेश के सभी शहरों में 60 घंटे का लॉकडाउन है। उपचुनाव की वजह से दमोह इससे अछूता है। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,882 नए केस मिले हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में 912 और भोपाल में 736 संक्रमित सामने आए। प्रदेश में 30,486 एक्टिव मरीज हैं। 52 जिलों में से 47 जिलों में 100 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही 23,000 संक्रमित बढ़े हैं। संक्रमण दर 13% से ज्यादा है। संक्रमितों के बढ़ने की यही दर रही तो अप्रैल अंत तक 90,000 संक्रमित हो जाएंगे। शुक्रवार शाम 6 बजे से प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। रतलाम में 9 दिन का बंद है। कटनी, खरगोन और बैतूल 7 दिन तक लॉकडाउन है। छिंदवाड़ा में गुरुवार शाम से ही 7 दिन का लॉक लगाया गया है। भोपाल के कोलार क्षेत्र में 9 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में सख्ती देखी जा रही है। बाजार पूरी तरह से बंद है। सड़कों पर पुलिस तैनात है। जगह जगह सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है। बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों को लौटाया जा रहा है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही जाने दिया जा रहा है।